भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि अनंत सिंह अलबल बकता है, इसलिए उसका वोटवा भागता है। अनंत सिंह अलबल बकेगा तो कोई उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ललन सिंह ने अपने प्रचार के लिए उनको पेरोल पर निकाला है, मगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल अनंत सिंह हाल में ही 15 दिनों की पेरोल पर जेल से बाहर निकले हैं, जिसके बाद वो मीडिया में अपने बयानों से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अति अनंत सिंह जो है ना, सीधे सपट्टे लोग हैं, कम पढ़े लिखे आदमी है। वो 6 महीना में जाकर वो थे लिया था, तो बात है क्या बोल सकते हैं। आज निकाला है पैरोल पर नथी ललन सिंह, अपने प्रचार के लिए निकाले हैं। अलबल बकता है नथी से बोटवा उसका भागता है। वहाँ कास्टिज्म हो गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड ये लागू हो गया। अनंत सिंह अलबल बकेगा तो अलबल कोई बर्दाश्त करेगा? प्रभाव होगा आनंद सिंह का कुछ? वो प्रभाव नहीं होगा। अगर काम हुआ होगा, 2 टर्म रहे हैं हमारे ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, हम लोग के गार्जियन है, सब कुछ है पार्टी के, अगर अच्छा काम किए होंगे, पब्लिक से भेंट घाट किए होंगे, जीतेगा। कहते हैं जब सच्ची लगन और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। इस बात को साबित कर दिखाया है भागलपुर के कटहलबाड़ी के रहने वाले राहुल राज ने। संघ लोक सेवा का परिणाम बुधवार को जारी हुआ। इसमें भागलपुर जिले के रहने वाले राजकुमार चौधरी के पुत्र राहुल राज ने 143वां रैंक हासिल किया है। राहुल का वन प्रमंडल पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ है। राहुल की माँ ललिता देवी आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका है और राहुल के पिता छोटे व्यापारी है। राहुल का चयन होने के बाद माता पिता और बुजुर्ग दादी भावुक हो गए। आपको बता दें, राहुल राज का यह छठा प्रयास था। राहुल राज ने कहा कि इंसान को खुद पर भरोसा रखते हुए कोशिश जारी रखनी चाहिए और असफलता से घबराना नहीं चाहिए। रूटीन के साथ गोल पर फोकस कर पढ़ाई करनी चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी छात्र को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। राहुल की इस सफलता के बाद राहुल की माँ ललिता देवी ने कहा कि आज हमें बहुत खुशी मिली है, आज हमारे बेटे का चयन वन प्रमंडल पदाधिकारी के रूप में हुआ है। वहीं राहुल राज के पिता राजकुमार चौधरी ने कहा कि हमें बहुत गर्व हो रहा है, हमारा बेटा इस लायक बन गया, अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत इच्छा थी कि हमारा बेटा कोई पदाधिकारी बने और आज हमारा बेटा राहुल ने वो कर दिखाया। शुरू में संघर्ष तो था जैसा भी था, बट ठीक है। आगे जाकर के जब एक बार आईटी में चयन हो गया, फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, जॉब करने गए थे सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टेड था कि यहां से तो आगे ही बढ़ना है। तो सपोर्ट घर वालों ने भी उसी तरीके से किया, हर लेवल पे, जिस लेवल पे भी हो सका। कितना प्यार है प्रकृति से आपको, ये बताइए। बहुत ज्यादा। और मतलब जिस तरीके का भी जैसा माहौल है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है और पर्यावरण एक बहुत जरूरी चीज है अभी के दुनिया में, तो उस चीज में काम करना, उस चीज में इन्वॉल्व भी होना एक बहुत मेरे लिए बहुत गर्व वाला बात है। 5 बार असफलता मिली है आपको, 3 बार इंटरव्यू से भी लौटे हैं, वो सफर कैसा रहा? कभी ऐसा नहीं लगा कि आप छोड़ दें? मतलब इस चीज में ऐसा था कि हर बार ये लग रहा था कि काफी क्लोज आ गए हैं, और क्लोज आने के बाद एक वो पूछ रहता था कि चलो इस बार नहीं, कोई बात नहीं, अगले बार कर लेंगे। और घर वालों का भी सपोर्ट रहता था, वो लोग खुद चाहते थे कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो काफी अच्छी बात है, ट्राई करते रहो। तो वो एक पुश फैक्टर चारों तरफ से मिलता था, और पढ़ाई वगैरह में करने का आदत था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इस चीज में। कि हर सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है, आपके पीछे किसका हाथ माना? मेरे घर वालों का और मेरे दोस्तों का। क्या कहें, बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा बेटा इस लायक बन गया है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सफलता मिली। 4 बार मैंने इंटरव्यू में नहीं हुआ, सब में पास कर गया था, लेकिन इंटरव्यू में ही छटा जाते थे, तो हम लोग को बहुत दुख होता था। आखिरकार सफलता तो मिली। हाँ, बहुत खुशी है अभी, उम्मीद था कि हाँ होगा। और हम लोग पीछे नहीं हटे, और न कभी उस टॉर्चर किए कि तुम छोड़ दो चले, और न संघर्ष करते रहो बेटा, हिम्मत देते रहे। आज हमको बहुत गर्व हुआ कि मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचा, मेरा मेहनत मेरा प्रयास बच्चे को रंग लाया। और सबसे ज्यादा है कि मेरा बेटा बहुत मेहनती किया, बहुत ही मेहनत किया, और वही मेहनत का आज फल मेरा बेटा को मिला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में लग रहा है कि पहली बार हमको ऐसे, मेरी बेटी भी RDO बनी थी,
थोड़ा अधूरा खुशी था, लेकिन इस बार मेरा पूरा खुशी हो गया। बहुत खुश है हम, सबका आशीर्वाद मेरे बेटे को काम आया। इसका पापा भी बहुत बचपन से ही सपना था इसका पापा का कि मेरा बेटा आईएएस बने, और बन गया। और बन गया। जिसने जीवन भर जीने मरने की कसमें खाई, अब वही पति बना पत्नी की जान का दुश्मन। कहते हैं शादी में सात फेरे लेते समय पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने और जीवन भर रक्षा करने की कसम खाता है, पर आज वही पति पैसे के लोभ में अपनी पत्नी की जान का दुश्मन बन बैठा है। जी हां, यह पूरा मामला भागलपुर की बाखरपुर का है, जहां बिहार पुलिस की नौकरी लगते ही पति ने पत्नी को जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकाल देने की धमकी देने लगा। पूरा मामला भागलपुर की सहायक थाना बाखरपुर क्षेत्र अंतर्गत सामने आया है, जहां रंजीत कुमार नामक युवक होमगार्ड में नौकरी लगते ही अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी देने लगा। अब पत्नी प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर लगा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। यहां आपको बता दें कि सोनम कुमारी की शादी 11 मई 2022 में बाखरपुर थाना क्षेत्र के रंजीत कुमार नामक युवक से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद रंजीत द्वारा सोनम से दहेज की मांग की जाने लगी और नहीं देने पर घर से निकाल देने व जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद सोनम ने रंजीत को और उसके घर वालों को 1.5 लाख रुपए अपने पिता से लाकर दिया था, मगर उसके बाद दहेज लेने का सिलसिला नहीं थमा और रंजीत सोनम से पैसों की डिमांड लगातार करने लगा। 2 महीने बीत जाने के बाद फिर एक बार रंजीत ने सोनम को 50,000 अपने पिता से मांगने को कहा, जिस पर सोनम के पिता ने इनकार जताया तो रंजीत के द्वारा अपनी पत्नी सोनम पर केरोसिन छिड़क कर जान से मारने का प्रयास किया गया। हालांकि सोनम समय रहते वहां से भाग निकली और अपने ननिहाल पहुंच गई, जिसके बाद थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दी। हालांकि अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि सोनम ने बताया कि रंजीत ने दूसरी शादी प्रियंका नामक एक लड़की से कर लिया है, जिस पर इतराज जताया तो सोनम को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सोनम अब वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है। मेरा शादी बाखरपुर में हुआ है, मेरे नाना जी के घर से, मेरा घर महादेवगंज पड़ता है। शादी के 10 दिन बाद मारपीट करने लगा और दहेज की मांग करने लगा, फिर 6 महीने बाद धमकी देने लगा दूसरी शादी का। अब तक धमकी दे रहा था तो जाकर हमने निवेदन दिया थाने में, उसके बाद दूसरी शादी कर लिया है। लड़की का नाम है पूजा कुमारी, पिता का नाम विनय यादव। शादी के कितने दिन बाद आपको धमकी देने लगा या फिर दहेज प्रथा का मामला? 6 महीने बाद। दहेज का भी कुछ मांग किया गया आवेदन में, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं 5 लाख का दहेज का मांग किया गया है। पहले 1.5 लाख का किया तो वो पूरा किया गया, फिर 5 लाख का मांग किया। क्या नाम है लड़के का? रंजीत कुमार यादव। अभी एसपी सर के पास आए हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको वहाँ से? हमें ये की कोर्ट ऑर्डर जल्द ही देगा गिरफ्तारी का। दहेज प्रथा का केस की हूँ, अब मुझे न्याय देगा कोर्ट भी नहीं देती आगे। रंजीत कुमार यादव से शादी के 10 दिनों बाद मारपीट शुरू कर दिया, 1.5 लाख रुपए का मांग किया तो उन्होंने, मेरे पापा ने पूरा किया 1.5 लाख रुपए का मांग, फिर 5 लाख रुपए का मांग करने लगा 1-2 महीने बाद। नौकरी लग जाने के बाद होमगार्ड में तो फिर जान से मारने का भी कोशिश किया मेरे साथ, उसको जान से मारने चला था। मैं कैसे भी बच के अपने नाना के घर चली गई, पास में ही था मेरे नाना का। लड़का क्या करता है? होमगार्ड में नौकरी लगा था लेकिन घर पे ही रहता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है,
जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में पुरानी खड़ी एम्बुलेंस की गाड़ी में एक बार फिर से अचानक आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस गाड़ी धू धू कर जल गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार आशुतोष मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बता दें कुछ दिन पहले भी सदर अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस की गाड़ी में आग लग गई थी, जिसमें से कई एम्बुलेंस की गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह कोई नई तस्वीर नहीं है। हर साल भागलपुर में बारिश होते ही ऐसा मंजर आपको देखने को मिलेगा। तस्वीर भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र की है, जहां हर बारिश में लोग इस परेशानी से जूझते हैं। इस सीजन की पहली बारिश और पूरा शहर नाले के पानी से भर गया। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पसरे नाली के पानी से होकर लोग अपने स्कूल कॉलेज दफ्तर जाने को मजबूर हुए। इस सीजन की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल रखती है। एक तरफ जहां लाखों रुपए नगर निगम की ओर से नाले के गाद की उड़ाही के लिए खर्च किए गए हैं, वहीं जमीनी स्तर पर इसका कुछ भी असर नहीं दिख रहा। लोग परेशान हो रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को दुरुस्त करने, मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और भ्रष्टाचार एवं कुलपति के विरुद्ध छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार चल रहे आंदोलन की कड़ी में आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति के खिलाफ हवन यज्ञ किया गया। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों पदाधिकारी व छात्र मौजूद थे। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यह हवन यज्ञ भ्रष्ट बुद्धि वाले कुलपति को सद्बुद्धि देने, विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। कुलपति की जिस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आज हम लोग का यह आह्वान उनके बुद्धि को ठीक करने के लिए, साथ ही हमने संकल्प लिया है पूजा के पूर्व में ही कि इस कुलपति को जब तक भगाऊंगा नहीं तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आप देखेंगे कि हम लोग पूजा शुरू कर रहे थे, पूजा में असुरी शक्ति जिस तरह से बाधा डालने आती है उस तरह से यहाँ के डॉक्टर ने आकर हमें रोकने का कार्य किया। उस असुरी शक्ति को भी हम लोग बाहर करेंगे। आने कहते हैं विद्यावान गुनी अति चातुर राम कार्य करवे को आतुर। ये विद्या का काम है, ये राम का काम है। इस काम को करने के से हमें कोई रोक नहीं सकता है। किसी के लिए बुद्धि की सोचिए, हमें शालीनता है। आज कुलपति की बुद्धि को ठीक करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसको रोकने का क्या कार्य? हमें लगता है उनके अगल बगल जो उनके चाटुकार जिस तरह से पदाधिकारी है वो चाहते ही नहीं है उनका वृद्धि हो। उनके आड़ में कहीं ना कहीं अपने पॉकेट को भरने का कार्य जिस तरह से इस विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे कुलपति को भी समझना चाहिए। कुलपति आज कुल के पति हो चुके हैं। छात्र के भविष्य को रोंदने का कार्य कर रहे हैं। इस रोंदने के कार्य को उन्हें सबक सिखाने के लिए विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता मैदान में आ चुका है। भागलपुर में अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने के लिए एक बुजुर्ग थाने से लेकर नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का चक्कर काट रहा है। दरअसल महेश यादव बड़ी खंजरपुर थाना बरारी का रहने वाला है। इनकी जमीन बड़ी खंजरपुर में स्थित है, जिसका म्यूटेशन महेश यादव के नाम से ही है और उनके द्वारा उक्त जमीन का हर वर्ष लगान भी जमा किया जाता है। इसके बावजूद महेश यादव के छोटे भाई अनिल यादव और उनकी पत्नी के द्वारा महेश यादव की जमीन पर अवैध रूप से घर बना लिया गया है और जब महेश यादव के द्वारा जमीन को खाली करने के ये बोला जाता है तो महेश यादव एवं उसके परिवार के साथ मारपीट की जाती है। महेश यादव ने बताया कि जब इस पूरे मामले को लेकर बरारी थाने में आवेदन दिया गया तो महेश यादव को थाने से भगा दिया गया। इसके बाद थक हार कर नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इन्होंने आवेदन दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक महेश यादव को न्याय मिल पाता है। अनिल यादव उनका गलिया कर रहा था, हम गए बनाने, हमसे मारपीट किया,
20 साल पहले बंटवारा हो चुका है। थाना पर भी गए तो हमसे मारपीट किया। थाना पे भी मारपीट किया? थाना पे कौन मारा? थाना पर थाना धमकी देखो तो भगा दिया था। यहाँ से भी लोग अभी कहाँ आए? अभी कहाँ पे आए आवेदन? अभी एसपी साहब के पास। भागलपुर की नाथनगर में ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मामला नाथनगर के बहिहार का है, जहां युवक शौच के लिए गया था, वहीं यह घटना घटित हुई। घटना घटित होते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नाथनगर के हरदासपुर के रहने वाले देव नारायण मंडल के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने सबको अपने कब्जे में कर लिया है, वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कखनी लगल ठंका? की नाम छे जकरा ठंका लगले? की नाम छे ओकरो जकरा ठंका? कितना उम्र होते होते? उम्र 17-18। तोरो के छौ? हमरो बेटा छके। लोही ले झड़ा फिरले, झड़ा फिरि काबे ले गाँव घुसल थोड़े दूर ले के ठनको ठनके ले ठनके में खत्म हो गया। ठनका से? ठनका से। हाँ, का बच्चा रे? एक ले गेलो झड़ा फिर कम बाहर में जा रहे कमाए जाए बाहर उस कमा के लो ले कमा वाला तो बाहर में तीन गो छे ये कमाए के लो रहा आरो दो ठो अंगने वाला छे कहिया एलो रे करीब 15 दिन होलो ते ला कहां कमाए ना सिकंदराबाद सिकंदराबाद घर कटी ले लो मिलाए लो मिलाए ले ना ऐसा ही लो लेके आ जा घर फनु जेब तो कलिए तो बाबा अलो से रही जो फनु दिया बातों में